अब लूट पर नकेल, संक्रमण की रफ्तार के बीच राहत देने वाली दो खबरें। एक में निजी अस्पताल की कलें खुली तो दूसरी ओर मनपा ने पॉजिटिव मरीजों के लिए सुध। होम आइसोलेट में रहकर रखे गए गंभीर मरीजों से विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे खुद संपर्क, सराहनीय पहल मनपा ने, सेवा प्रदाता स्टेप वन कंपनी के साथ किया करार। सीईटी पहले दिन करीब 1900 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, शहर में बनाए गए थे 8 सेंटर, जिले में है 22,556 परीक्षार्थी। अनलॉक 5.0 नागपुर में गाइडलाइन जारी, होटल रेस्टोरेंट फूड कोर्ट व बार खुलेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस को फिलहाल कोई राहत नहीं। पुलिस सिपाही ने किया दुष्कर्म, बेलतरोड़ी पुलिस ने मामला किया दर्ज, अश्लील वीडियो बनाकर 3 साल से करता रहा था महिला को ब्लैकमेल। गांधी जयंती के अवसर पर जगह जगह मनाया जा रहा गांधी जयंती का प्रोग्राम, सत्य अहिंसा और शांति ही बने जीवन का उद्देश्य। एक अक्टूबर को 1031 नए पॉजिटिव तो वहीं 36 की हुई मौत, 1157 मरीज हुए डिस्चार्ज तो 6300 की हुई थी टेस्टिंग। कर्मचारी कर रहा था ऑनलाइन ठगी, मैनेजर सहित 3 गिरफ्तार, हल्दीराम ने दर्ज कराया था मामला, करीब 3 साल से चल रहा था ये कोरख धंधा, कलमना पुलिस में मामला दर्ज। तो वहीं दिन दहाड़े बाला बिनेकर हत्याकांड मामले में मांडवली बादशाह को तलब कर सकती है क्राइम ब्रांच पुलिस, बुट्टीबोरी से गिरफ्तार आरोपी 5 अक्टूबर तक पीसीआर पर। बीएसएनएल मोबाइल में आ रही कनेक्टिविटी की समस्या पर बीएसएनएल ने कहा कि कोई समस्या नहीं, बाकी का कुछ पता नहीं, समय पर मेंटेनेंस व दुरुस्ती कार्य नहीं हो रहा संवाद का कारण।